अगर इस वीडियो को आप भी नॉर्मल स्पीड पर अभी के वक्त पर देख रहे हो, स्पीड को इंक्रीज करके 1.5x कर लो, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है। क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट ए टू जेड पोस्ट ऑफिस की GDS की 40,000 प्लस वैकेंसी के लिए कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मोबाइल के जरिए करना है सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। तो वीडियो में बने रहो अंत तक। बट उससे पहले भाई चैनल पर नए हो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से रेगुलरली जॉब अपडेट या फिर जॉब पर कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपके मोबाइल के जरिए सब कुछ मिलता रहेगा। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, सिंपली लिंक पर क्लिक करके आप लोग अपनी यानी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंने जो बटन दिखाया है उस वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल देकर उस वाले ईमेल या फिर मोबाइल को वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे वेरीफाई करना है सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। तो जो भी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोबाइल नंबर और ईमेल देने के लिए बोल रहा है। उसके बाद वैलिडिटी करने के लिए बोल रहा है। वैलिडिटी करते वक्त या फिर वैलिडिटी पर जब आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। सो आप अपने जो मोबाइल नंबर है उस वाले मोबाइल पर अगर रिचार्ज नहीं है तब वो नहीं देना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप लोग के जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो उस वाले फ़ोन पर अगर रिचार्ज नहीं है OTP नहीं जाएगा, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, एक्टिव मोबाइल नंबर देना। मोबाइल नंबर देने के बाद आप अपने नेम, उसके बाद आपका फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद सर्कल, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यानी कि कौन से ईयर में आपने मैट्रिक या फिर HSLC पास किया है वो वाले ईयर को सिंपली सिलेक्ट करना। उसके बाद जो कैप्चर दिया गया है, मेरा जो कैप्चर है वो है 73DL2। यहाँ पे सबका कैप्चर अलग अलग दिखेगा, सिंपली कैप्चर को बॉक्स में डालकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने मेरा खुद का मोबाइल नंबर डाल दिया है, जिस वाले मोबाइल नंबर पर मैंने पहले ही बता दिया है रिचार्ज होने पर। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद वैलिडिटी OTP पर क्लिक किया, उसके बाद मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला गया है। तो मैं OTP यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ, उसके बाद सबमिट OTP पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा जो OTP है थोड़ा बहुत वेट भी कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया के हर एक स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सर्वर का भी इशू हो सकता है। आप लोग अगर सर्वर का प्रॉब्लम है लोग वेट कर लेना। मेरा OTP आ गया है, मैंने सिंपली वहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर दिया है, उसके बाद सबमिट OTP पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोबाइल नंबर वैलिडिटी सक्सेसफुल। ईमेल को भी आपको सेम तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा जो मोबाइल नंबर है देख सकते हो आप सभी के सामने मैंने करके दिखा दिया है, मोबाइल नंबर वैलिडिटी सक्सेसफुल। ईमेल के साथ भी यहाँ पे आप लोग को सेम आ जाएगा, ईमेल डाल देना है, वैलिडिटी ईमेल पर क्लिक करके सिंपली OTP को सबमिट कर देना है। मैंने ईमेल दोनों को देख लिया है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। ईमेल वैलिडिटी सक्सेसफुल सेम प्रोसेस पर आप लोगों का आ रहा है, सेम वे पर आप लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो यानी कि अपना नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कौन, मैंने यहाँ पर A to Z यानी कि जो मेरा यहाँ पे डिटेल मांग रहा है सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना डिटेल्स फिल कर देना, सबका डिटेल अलग अलग होगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरा नाम अलग है, तो मैंने आपका सब कुछ डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया है। और मेरे जो यानी कि कैप्चर है कैप्चर को भी मैंने डाल दिया है, मेरा कैप्चर है 4N66J, सो मैंने उसका डाल दिया। उसके बाद मेरा सबमिट वाले बटन पर जब मैं क्लिक कर दूंगा उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो आप सभी के सामने मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी को ट्रस्ट हो जाए कि मोबाइल से भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट स्टेज मेरा जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं रजिस्ट्रेशन के सेकंड स्टेज पर हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। मेरा जिस फर्स्ट स्टेप यानी कि मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई यानी कि बाकी सब कुछ हो गया है, बट मेरा जो यानी कि मैं किसी मेरा जो अदर डिटेल्स है लाइक आधार कार्ड का नंबर हो गया, फोटो वगैरह, उसको मेरे को अभी भी अपलोड करना है। ये सेकंड स्टेज होता है रजिस्ट्रेशन करने का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आधार कार्ड का नंबर मांगा है, अगर आपका आधार कार्ड है डाल देना, अगर नहीं है कुछ भी इशू वगैरह नहीं है। बट आपको जो रेड स्टार है जिस भी पॉइंट पर उसको आप लोगों को कंपलसरी है उसको फिल करना पड़ेगा। अगर आपको उसको फिल नहीं करते हो तब आपको सबमिट नहीं होगा। तो ये बार आप लोग अच्छी तरीके से जान लेना। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर दोनों का साइज वगैरह देख लेना, दोनों JPG में होना चाहिए, PDF में अपलोड नहीं होगा या PNG पर भी नहीं होगा। आप लोगों को दोनों को JPG पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाता है जिस पर आप लोग साइज यानी कि कंप्रेस वगैरह कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो वाले प्ले स्टोर का ऐप का लिंक चाहिए मैं पिन कमेंट पर आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग सिंपली उस वाले यानी कि ऐप पर जाकर अच्छी तरीके से कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग जो
यानी कि फोटो कैसे अपलोड करना है वो मैं दिखा रहता हूँ। सो इस फाइल पर क्लिक करना है, आप अपने अकॉर्डिंग फोटो का अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैंने आप सभी के सामने फोटो अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया गया है। सो सब कुछ मैंने कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आई एग्री पर क्लिक करना है या फिर टिक करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन अभी के वक्त पर सक्सेसफुली हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो रेफरेंस आई डी है वो भी आ सकता है, या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आ चुका है। इसको आपको कॉपी कर कहीं पर रख देना है, नोटबुक पर हो गया या फिर नोटपैड पर या फिर व्हाट्सएप पर किसी को सेंड कर देना है, ताकि आपका जो स्टेटस है वो आप टाइम टू टाइम चेक कर सको। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपने अपना सर्कल सिलेक्ट कर लेना है रजिस्ट्रेशन पर। मैंने जिस मोबाइल नंबर को दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक फिर से ओटीपी गया है, उस ओटीपी को मेरे को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। मैं सिंपली ओटीपी आ चुका है, मैं उस वाले ओटीपी को यहाँ पर सिंपली यानी कि कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। सो ओटीपी मेरा आ चुका है, ओटीपी वगैरह मैंने सब कुछ डाल दिया। उसके बाद सेम कैप्चर को डालकर सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने दोनों को फिल कर दिया आप सभी के सामने। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग एक और नया विंडो या फिर नया पेज पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप लोग एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना, जो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टिक आ जाएगा। मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो उस पर टिक आ चुका है। बाकी दोनों पर कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है, तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। उसके बाद मेरा जो डिटेल्स वगैरह वो आ जाएगा। उसके बाद हमको एड्रेस फिल करना पड़ेगा, मैं कौन सी यानी कि स्टेट से हूँ, मेरा होम एड्रेस कौन सा है, विलेज कौन सा है, सब कुछ पिन कोड वगैरह आ जाएगा। ये अब देखो, ये तो सबका अलग अलग होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। जो भी आपका विलेज का नेम है, पिन कोड है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, सब कुछ आप लोग अच्छी तरीके से डाल ही सकते हो। ज़्यादा कुछ यहाँ पर मुश्किल का काम नहीं है। अगर दोनों सेम है तो सेम एस कम्युनिकेशन पर क्लिक कर देना, आपका दोनों सेम आ जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप अपने अकॉर्डिंग दे लेना। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। 10th आपने कौन सी बोर्ड से पास आउट किया है, आपका रिजल्ट का टाइप क्या है, वो आप लोग अच्छी तरीके से डाल देना। ये मैं आप सबको यानी कि प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जो ईजी है मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, वो तो आप लोग यानी कि कर ही लोगे। बट जो टफ है, जिस पर आपको गलती नहीं करना है, मैं सिंपली वही दिखा रहता हूँ, ताकि आप सभी को यानी कि कोई भी गलती ना हो या फिर अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने अपना खुद का बूट सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया के हर एक स्टेट से यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने जो यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, सेंट्रल मैंने यानी कि CBSE को अभी के वक्त पर सिलेक्ट किया है। अगर आप CBSE से पास आउट किए हो तब आपको CGPA देना पड़ेगा। अगर आप लोग यानी कि स्टेट बोर्ड से पास आउट किए हो, लाइक सेबा हो गया या फिर अदर जो बोर्ड्स होता है, अगर आप उससे पास आउट किए हो तब आपको परसेंटेज पर देना पड़ेगा। अगर आप CBSE से पास आउट हो तब आपको CGPA देना पड़ेगा, और अगर आप लोग सेबा से पास आउट हो तब आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। तो ये आप तरीके से देख लेना। मैंने सबका यानी कि कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल कर दिया है। कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद मेरे को क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में मैंने फिल भी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने अपना जो बोर्ड है सिलेक्ट कर लिया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम। तो यहाँ पे आप लोगों को 600 का यानी कि एग्जामिनेशन होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट रिजल्ट, मेरे को यानी कि कौन से सब्जेक्ट पर कितना मार्क्स मिले हैं मेरे को यहाँ पे डालना है। तो मेरे को यानी कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश पर मेरे को 89 मिला है 100 के बीच में। उसके बाद है हमारा जनरल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मेरे को 78 मार्क मिला है। यानी कि बाकी जो यानी कि मार्क्स वगैरह है मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से डाल दिया है। उसके बाद मेरा जो CGPA है वो भी मैंने डाल दिया है, तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। देखने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अच्छी तरीके से करना, कोई भी गलती मत करना, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मेरा कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो गया, मेरा को सब कुछ हो गया। अब मेरे को प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि मैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट का कौन सी पोस्ट ऑफिस में जॉब करना चाहता हूँ। तो मैं अपने अकॉर्डिंग देख लेता हूँ, मेरा को यहाँ पर मिल जाएगा नलबारी डिवीजन। सो यहाँ पे लोग मैंने सिलेक्ट कर लिया नलबारी डिवीजन। तो यहाँ पे मेरे को नलबारी डिवीजन में जितना जितना पोस्ट ऑफिस है सबका मेरे को लिस्ट आ गया कि कौन सी को आपको पहले रखना है, यानी कि कौन सी पोस्ट ऑफिस में आप फर्स्ट जॉब करना चाहते हो। तो मैं अपने अकॉर्डिंग सब कुछ दे लेता हूँ। यहाँ पे सबका अलग अलग होगा, आप अपने नियर बाय के हिसाब से देना, ताकि आपको जॉब करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यह बार आप लोग अच्छी तरीके से जान लेना। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर अभी तक एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भाई इसी तरीके से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो आप एक दिल से लाइक कर देना, साथ में दोस्तों के लिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपका दोस्त भी थोड़ा बहुत इस वीडियो के जरिए यानी कि हेल्प हो सके। तो आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन कॉल पर जरूर सेट कर लेना, अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग मैंने सब कुछ यानी कि सिलेक्शन सिविल वगैरह सब कुछ डाल दिया है। आपको सिंपल सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यानी कि जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा। यहाँ पे मेरे को यानी कि 100 रुपये पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। मैं पेमेंट का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, मैं अगर पेमेंट करने जाऊँगा, गूगल पे हो गया या फ़ोन पे, उस जब पेमेंट करने जाऊँगा तब पेमेंट
कर सकूंगा, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो आप सभी को पता ही होगा जो गूगल पे या फोन पे वगैरह यूज़ करते हो वहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन कैप्चर अलाउ नहीं होता। तो मैं पेमेंट करता हूँ, तब बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी आपसे पेमेंट करना चाहते हो आप पेमेंट कर देना। सो मैं यहाँ पे सिंपली पेमेंट कर देता हूँ, मैं गूगल पे से ही कर देता हूँ, ताकि आप सभी को ये आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि देखो भाई पेमेंट तो नहीं कर सकते या फिर पेमेंट का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो वो यहाँ पर अलाउ नहीं होता। आप अपने अकॉर्डिंग UPI ID को पे यानी कि डालकर सिंपली पेमेंट वगैरह कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, जब आप लोग पेमेंट करोगे उसके बाद एक फॉर्म निकल कर आएगा, उस पहले फॉर्म को आप लोग को सेव करके रख देना है। जब रेडिट लिस्ट निकलेगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।